कश्तियाँ डूब जाती है, उम्मीदें तैरती रहती है, कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियाँ जब भी आती है, बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं, बड़ा मजबूत है ये धागा, जिसे साईं पर विश्वास कहते हैं। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में कोई प्रस्तावना नहीं, किसी तरीके की भूमिका नहीं बांधूंगा, सीधे ही आज का वीडियो शुरू करता हूं, आपको साईं दरबार के दर्शन कराता हूं और साथ में एक बड़ी ही दिलचस्प बात आपको बताता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुंबई के दादर में रहने वाले श्री डीबी वारकर एक साईं भक्त थे। वो 11 मई 1982 को साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। दर्शन हो जाने के बाद दूसरे दिन यही शिरडी के पास में एक साकोरी गाँव है, वहाँ गोदावरी माता का मंदिर है, तो वहाँ वो अपने दो दोस्तों के साथ दर्शन के लिए गए। वहाँ एक चाय की दुकान पर सबसे पहले वो ठहरे। मापसेकर काका की वो चाय की दुकान थी, वहाँ उन्होंने चाय पी, दोस्तों के साथ गपशप चल रही थी, तभी उनके मित्र की नज़र वहाँ बैठे एक बूढ़े बाबा पर पड़ी। मित्र का कौतूहल जागृत हुआ तो उसने उनसे पूछा कि क्या आपने साईं बाबा को देखा है। जवाब में उस बूढ़े बाबा ने हाँ में सिर हिलाया तो डीबी वारकर जी और उनके दोनों मित्रों ने उस वृद्ध को प्रणाम किया। उन्हें हृदय से बड़ी खुशी हुई कि हमारे समक्ष बैठे इन बूढ़े बाबा ने साईं को देखा है, साईं का सहवास उन्हें मिला है। उस वक्त उनकी उम्र 98 साल की थी। जब बाबा के सहवास का अनुभव उनसे पूछा तो उस बूढ़े बाबा ने उन्हें बताया कि मेरी एक किराने की दुकान पुणे में उस समय हुआ करती थी। साल 1917 में जब मैं तकरीबन 35 साल का था तो मेरे मन में आया कि मैं बाबा के दर्शन करूं, उनका आशीर्वाद लूं। तो ऐसे ही मैं एक दिन साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आ गया। शाम के वक्त द्वारका माई में पहुंचा, बाबा द्वारका माई में बैठे थे। बहुत सारे लोग उस समय शाम में द्वारका माई में बैठे थे। उनमें से रास्ता निकालते हुए मैं बाबा के आसन तक पहुँचा, उनके चरणों को स्पर्श करके मैंने उन्हें प्रणाम किया। उसी समय साईं बाबा की नज़र मेरे गले में बंधी घड़ी पर गई। आपको शायद मालूम होगा कि पुराने समय में लोग गले में, कमर में घड़ी लटकाते थे। गांधी जी की भी शायद आपने एक फ़ोटो देखी होगी कमर में घड़ी लटकी हुई। खैर, तो साईं बाबा ने मुझसे गले में लटकी हुई वो मेरी घड़ी मांग ली। मुझे लगा कि बाबा ने मजाक करने के इरादे से मुझसे घड़ी मांगी है। घड़ी देते ही बाबा ने वो घड़ी कभी इस हाथ में, कभी उस हाथ में, ऐसे करते रहे। दो चार बार उसे उलट पुलट कर देखा और फिर ज़ोर से उसे ज़मीन पर फेंक दिया। घड़ी टूट गई। घड़ी टूटने से मुझे मन से काफ़ी बुरा लगा, मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन भीड़ इतनी थी उस दिन कि मैं बाबा से पूछ नहीं पाया कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं चुपचाप उसी दिन अपने गांव साकोरी चला गया। इसके 4-5 महीने बाद पुणे में अपनी किराने की दुकान पर मैं एक दोपहर बैठा था तो उस दोपहर दुकान पर एक छोटा बच्चा आया। उसके हाथ में कागज़ की एक पुड़िया थी। आते ही उसने वो कागज़ की पुड़िया मेरे हाथ में थमाई। मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें 4-5 महीनों पहले साईं बाबा ने द्वारका माई में जो मेरी घड़ी तोड़ी थी वही घड़ी थी, बिल्कुल नई जैसी और उसी कंपनी की। मुझे कुछ महीनों पहले द्वारका माई में बाबा के अजीब व्यवहार का वो प्रसंग याद आया और आज मेरे हाथ में वो घड़ी थी। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं खुशी के मारे दुकान में बाकी लोगों को वो घड़ी दिखाने लगा। और उसके बाद घड़ी के बारे में पूछने के लिए जब मैं उस बच्चे को देखने लगा तो वो बच्चा मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैं कभी बाबा का वो प्रसंग याद करता, मैं उस घड़ी को इस हाथ से उस हाथ में लेता, बार बार उसको उलट पुलट कर देखता। मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बाबा की कैसी लीला है। पर खैर, एक बात थी कि उस दिन मुझे बाबा की सर्वव्यापकता की, उनके सकल चराचर में जो वो विद्यमान है उनके अस्तित्व की साक्ष्य मिली। ये अनुभव था साकोरी के उस बूढ़े वाणी बाबा का जो श्री डीबी वारकर जी ने साईं भक्तों के साथ शेयर किया था। आपको बाबा के इस अटपटे व्यवहार के बारे में क्या लगता है? क्या कारण रहा होगा? बाबा ने ऐसा क्यों किया होगा? आपको क्या लगता है? आज का ये साई महिमा का 9वां एपिसोड था। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं।
आपके कोई सवाल हो या आगे आप किस तरीके के वीडियोस चैनल पर देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने साईं के दीवाने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखें। ओम साईं राम।